एक रात की बात है, जगदीश टैक्सी चला रहा था। उसे किसी सवारी की तलाश थी। काफी देर से कोई ग्राहक उसकी टैक्सी में बैठा नहीं था। वो एक शमशान के पास गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। आज कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा और बच्चों की फीस कैसे जाएगी। और बस तभी शमशान का फाटक खुलने की आवाज आई और फिर जगदीश की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठ गया। जगदीश देखने के लिए घूम ही रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। जगदीश, पीछे घूमना मत, मुझे देखने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस चाहिए ना, वो मैं तुम्हें अदा कर दूंगी। मुझे सेक्टर 7 ले चलो। उस खातून की आवाज खौफनाक थी। जगदीश घबरा गया। उसे लगने लगा कि वो आवाज किसी खातून की नहीं थी। वो खामोश गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जगदीश का खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे। वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वो सेक्टर 7 के पास पहुंचा और उसने गाड़ी रोक दी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। खौफ के मारे वो कांपने लगा। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। टैक्सी का दरवाजा बंद होते ही जगदीश ने एक्सेलरेटर दबाई और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। काफी दूर जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जब उसने पीछे की सीट पर देखा तो वहां नोटों की गड्डी थी। वो कौन थी? कोई इंसान थी या कोई रूह? जगदीश बड़ी उलझन में था कि उसकी गाड़ी में कौन सवार हुआ था। अगली शाम पैसों के लालच में जगदीश वापस उसी शमशान के बाहर पहुंचा। पिछली रात की तरह आज भी शमशान का फाटक खुलने की आवाज आई और जगदीश की टैक्सी का दरवाजा भी खुला। जगदीश, मुझे इल्म था कि तुम वापस आओगे। आखिर इंसान होता ही ऐसा, पैसे किसे नहीं चाहिए। मुझे सेक्टर नंबर 7 ले चलो। जी। आज जगदीश को पिछली रात की तरह खौफ नहीं था, क्योंकि उसके जहन में ढेर सारे पैसों का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी सेक्टर नंबर 7 में लगा दी। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। पिछली रात की तरह वो सवारी उतर गई और जगदीश गाड़ी लेकर निकल गया। पीछे की सीट पर जगदीश को फिर से पैसों की गड्डी मिली, जिसे देखकर जगदीश बेहद खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। जगदीश पूरे दिन सोया करता और रात होते ही गाड़ी निकालता और शमशान के फाटक के पास पहुंच जाता। जगदीश उस सवारी को सेक्टर नंबर 7 छोड़ा करता था और रोजाना उसे एक नोटों की गड्डी हासिल होती थी। कुछ रोज बाद जगदीश के दिल में उस सवारी के मुतालिक इल्म करने की ख्वाहिश हुई। उसने उस सवारी को पूछ लिया। बहन, बुरा नहीं मानोगी तो मैं एक सवाल पूछूं? मेरे मुतालिक इल्म करना है ना तुम्हें, कि मैं कौन हूँ और रोज शमशान से सेक्टर नंबर 7 क्यों जाती हूँ? हाँ बहन। ठीक है, सब बताती हूँ। मेरा नाम चंद्रिका था। मैं अपने शौहर के साथ सेक्टर नंबर 7 के एक फ्लैट में रहती थी। हम दोनों बेहद खुश थे क्योंकि मैं हामिला थी। लेकिन यकायक एक शाम जब मैं अस्पताल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे ही आरामगाह में किसी खातून के साथ था। मैं बौखला गई। गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं घर के बाहर निकल गई। मैं गुस्से में चलते हुए सड़क पर आ गई और मेरा तवज्जो नहीं रहा और एक ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मेरे बच्चे को बचा लिया, लेकिन मैं नहीं बच सकी। अपने बच्चे की शक्ल देखकर मैं मर गई। उस रोज से रोजाना अपने बच्चे को देखने के लिए
मैं सेक्टर नंबर 7 चाहती हूँ। बाप रे, आपको आजादी हासिल नहीं हुई? क्योंकि मेरी जान अभी भी मेरे बच्चे में अटकी हुई है। मैं रोज उससे मिलने चाहती रहूंगी। ठीक है, जगदीश को अपने सवालों का जवाब मिल गया और वो लोग सेक्टर नंबर 7 भी पहुंच गए। सवारी टैक्सी से उतर गई और जगदीश को अपने पैसे हासिल हो गए। कई और दिनों तक रोज जगदीश इस सवारी को छोड़ने आया करता था। और फिर एक रोज उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे गांव जाना था। उसने अपने चचेरे भाई से बात की। देख राजू, मैं गांव जा रहा हूँ अम्मा के पास। तुझे रोज शाम को 7 बजे शमशान के फाटक पर पहुंचना है और उस सवारी को सेक्टर 7 तक पहुंचाना है। लेकिन ख्याल रहे, पीछे मुड़ के मत देखना और जो भी वो पैसे सीट पे रखे उसे उठा लेना। ठीक है भाईजान। वो सवारी इंसान नहीं है, भूत है, इसलिए ख्याल रहे कि तू उसे देखने की कोशिश ना करना। राजू राजी तो हो गया, लेकिन वो भूत प्रेतों में यकीन नहीं रखता था। अगली शाम 7 बजे राजू शमशान के फाटक पर पहुंच गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद राजू को शमशान का फाटक खुलने की आवाज आई। फिर राजू की कैब का दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे मुड़ना मत, मुझे सेक्टर 7 छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे हासिल हो जाएंगे। ठीक है। राजू गाड़ी चलाने लगा, लेकिन वो सवारी के मुतालिक सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत होगी। मालूम होता है इस खौफनाक आवाज के पीछे कोई बेहद खूबसूरत हसीना है। शायद आवाज बदलकर मुझे खौफ ज़दा करने की कोशिश कर रही है। और क्या, आखिर आजकल डायन चुड़ैल। पीछे मुड़ना मत। नहीं नहीं, मैं नहीं मुड़ूंगा। राजू सोच में पड़ गया कि आखिर उसके जहन की बात का इल्म उस सवारी को कैसे हो गया। राजू गाड़ी चलाता रहा। राजू ने सोचा सवारी देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर व्यू मिरर को घुमाया और पीछे बैठी हुई सवारी देखी। वो बेहद बदसूरत थी, भूतनी थी। बचाओ, 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 मेरी हिफाजत करो। मैंने कहा था ना, मुझे देखना मत। मुझे बख्श दो, छोड़ दो मुझे, आप बचाओ। भूतनी ने राजी की सीट में से अपना हाथ आर पार कर दिया और उसके जिस्म से उसका दिल निकाल लिया। जब कोई खबरदार करे तो उसे सुन लेना चाहिए। राजू को मारकर भूतनी सेक्टर नंबर 7 की जानिब बढ़ गई।